महाभारत के योद्धा किसके अवतार थे, अशोत्थमा किसके अवतार थे, जानिए पूरी जानकारी। यह सभी नायक किसी ना किसी परम पुरुष के अवतार थे, कोई देवताओं का तो कोई गंधर्व का, तो खुद भगवान ने भी कृष्ण अवतार रखकर इसमें भाग लिया था। भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था? महाभारत एक बहुत ही महान युद्ध को दिखाता है जो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। विजय धर्म की हुई थी। महाभारत में वैसे तो बहुत पात्र हैं, पर कुछ महान पात्र भी हैं जिन्हें महाभारत का नायक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सभी नायक किसी ना किसी परम पुरुष के अवतार थे, कोई देवताओं का तो कोई गंधर्व का, तो खुद भगवान ने भी कृष्ण अवतार रखकर इसमें भाग लिया था। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा आर्षियों के अंश अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आओ जानते हैं कि कौन किसका अवतार था। भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि वे अपने पिछले जन्म में मनु थे। बलराम, महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योगमाया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहां निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाव जी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। उनके शौर्य की गाथाएं अनेक हैं। भीष्म। कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है जो महाभारत के प्रमुखों में से एक थे। द्यु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु द्यु जिंदा रह गए। वहीं भीष्म थे जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा। उपरोक्त के बाद अश्वत्थामा सबसे अहम है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंगदेश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण अंत तो गत्वा कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसकी झंघा से पकड़कर उसके 2 फाड़ कर दिया और इस तरह दुर्योधन मारा गया। अर्जुन। इनके धर्म पिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल द्वारा छीन लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार और उनसे दान मांग लिया। भीम। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था।
द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्म पिता पांडु थे और वे पांच पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविंध्य और देविका से धौधेय नामक उनके दो पुत्र थे। ये सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे, नकुल व सहदेव। ये 33 देवताओं में से दो अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये दो अश्विनी कुमार थे, नासत्य और दस्त्र। सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसने महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। कृपाचार्य, रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। शकुनी, द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र और पांडु, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। विदुर, सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती माद्री, कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी, मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। रुक्मणी द्रौपदी, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थीं। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज, विप्रचित्ति, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं।